नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। नए साल के सेलिब्रेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में हजारों की तादाद में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। HPTDC के होटलों में 90% तक बुकिंग हो चुकी है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग हुई है। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश में एक बार फिर सैलानियों की आमद बढ़ी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार पिछले दो सालों की भरपाई हो जाएगी। क्रिसमस के बाद भी हिमाचल में एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी है। HPTDC के सभी बड़े होटल बुक हो गए हैं। इनमें द चॉयल पैलेस होटल सोलन, रोहतांग मनालुस होटल, मनाली पीटर हॉफ होटल शिमला, होटल हॉलीडे होम HHH शिमला, रॉस कॉमन होटल कसौली, किन्नर कैलाश होटल कल्पा, श्रीखंड होटल सरहान रामपुर, क्लब हाउस होटल मैकलोडगंज धर्मशाला, भागसू होटल धर्मशाला, यमुना होटल पावंटा साहिबा, कैस्टल नगर होटल, मनाली टेकर्स बंगलो होटल झंझोली शामिल है। HPTDC के जनरल मैनेजर अश्विनी सोनी ने कहा कि न्यू ईयर पर हमारे होटलों में डायन एंड डांस, कपल डांस, बेबी डांस, म्यूजिक, केक कटिंग का कार्यक्रम होगा। राजधानी शिमला के जाकू, कुफरीन, नालदेहरा, रिज, नारकंडा, तारा देवी घूमने के लिए सैलानी आ रहे हैं। मनाली के NCCA टेम्पल और तिब्बती मोनेस्ट्रीज, सोलन के कसौली में मंकी पॉइंट क्राइस्ट चर्च, कसौली ब्रेवरी धर्मशाला के मैकलोडगंज, भारत मिनी तिब्बत स्पीति वैली के काजा, छितकुल, कांगड़ा के भीर बिलिंग, चंबा के डलहौजी में ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग का कैंपिंग के लिए सैलानी आ रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।